नमस्कार प्रणाम, मैं समर चतुर्वेदी आप सबको प्रणाम करता हूँ। देखिए, फिल्म का नाम है भैया जैसन के होना। समझ आइए कि जो कहा जाता है कि बड़ा भाई पिता समान होता है, और अगर आपके ऊपर से पिता का साया उठ जाता है तो बड़ा भाई अपनी जो जिम्मेदारियों को निभाता है, जो त्याग आपके लिए करता है, जो समर्पण आपके प्रति दिखाता है। क्योंकि मैं भी घर में छोटा हूँ और मेरे भी पिताजी भी हैं, बड़े भैया भी हैं, लेकिन मैं अपने बड़े भैया को भी छोटे पापा ही कहता हूँ, क्योंकि आज मेरे अभिनय यात्रा की बहुत बड़ी आधारशिला वही है। तो भाई जैसा तो कोई नहीं होता, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये भाइयों के आपस के प्यार, त्याग, समर्पण, इसकी एक बहुत पारिवारिक ताना बाना वाली कहानी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत अलग है, लेकिन हाँ, अब जो दौर आ गया है पारिवारिक सिनेमाओं का, उस सिनेमा में ये एक और ऐसी कहानी है जो आपके दिल को छुएगी। आपको लगेगा कि हाँ, ये हमारे आसपास की घटना है, और शायद कहीं ना कहीं अंत में एक संदेश दे के जाती है कि कानों का कच्चा मत बनिए, अपने आप, अपने खून और अपने संस्कारों पर भरोसा रखिए, स्थितियाँ विपरीत हो सकती हैं, रिश्ते नहीं। इसमें मैं एक कह सकते हैं कि एक काका हैं जो इन दोनों भाइयों के प्रति बहुत प्यार, अगाध स्नेह रखते हैं, जो आप समझ सकते हैं कि शायद उनके पिताजी से मेरा कोई रिश्ता रहा हो, या इन दोनों भाइयों के प्यार को देख के ये लोग भी मुझे बहुत प्यार और आदर सम्मान देते हैं। तो इनकी ज़िंदगी में जब अच्छा बुरा कुछ भी होता है, वहाँ पे एक गार्जियन के रूप में मैं ही खड़ा रहता हूँ। तो बहुत दिनों बाद एक बहुत अच्छा पॉजिटिव कैरेक्टर करने को मिल रहा है, और अच्छा लग रहा है। जो मुख्य अभिनेता हैं, कृष्णा भैया हैं, डॉक्टर साहब हैं, रूपा हैं, पल्लवी हैं, नीलम दीदी आई हैं, मटरू भैया आए हैं, साहिब लालधारी है, संजू सोलंकी सर हैं। तो अब सारे जब महारथी आ जाते हैं तो फिर मज़ा आ जाता है कि हाँ, पुराना परिवार फिर से मिल जाता है, तो मस्ती माहौल में शूटिंग भी हो जाती है। जी, बात करें जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, एज एक्टर भी एंट्री किए हैं। जी, प्रोड्यूसर लॉन्चिंग और साथ साथ एक्टर की लॉन्चिंग, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बहुत अच्छा है कि डॉक्टर और एक्टर दोनों के पीछे टर है, एक समाज सेवा, और एक हम लोग भी एक समाज सेवी हैं, हम लोग मनोरंजन कर देते हैं। तो उनका आगमन हुआ, वो मुझे यही बस्ती आके पता चला कि यही इसमें एक भूमिका निभा रहे हैं, और मुझे पता चला कि वो निर्माता भी हैं। तो पहला फिल्म है, पहली फिल्म में मैं किसी के लिए कोई ऐसी विशेष टिप्पणी नहीं करता, लेकिन उनके बारे में ये खास बात है कि वो सुनते हैं, समझते हैं, और सिनेमा की भाषा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अभिनय हलवा पूड़ी है, आएंगे, संवाद बोलेंगे और चले जाएंगे। जो चरित्र और चरित्र निर्माण होता है, वो शायद जो काम करता रहता है उसको अनुभव के साथ आ जाता है। तो अभी वो एक तरीके से मिट्टी का लौंदा है, इंडस्ट्री के चाक पे रखे गए। अब देखिए, ये बर्तन क्या आकार लेगा जब पकेगा, तो पकने के बाद उसमें कितनी मजबूती आएगी। तो अच्छा लग रहा है कि चलिए, कम से कम जो एक सकारात्मक पहलू हो रहा है वो ये हो रहा है कि अब बदलाव वाली दिशा में भोजपुरी इंडस्ट्री जा रही है। अब एक सब्जेक्ट हीरो बन के आ रहा है जिसमें सारे कैरेक्टर अपना काम बखूबी निभाते हैं, चाहे वो एक दिन का हो, या मतलब ये कह सकता हूँ कि छोटा काम हो या बड़ा काम हो, लेकिन सब चरित्र आके अपना चरित्र निभा रहे हैं। डायरेक्टर की बात कीजिए, जीतू जी पहली बार डायरेक्शन कर रहे हैं। जीतू जी के साथ मैं पहली बार काम कर रहा हूँ, और शायद ये उनकी भी पहली फिल्म है। मुझे कहीं से लगा नहीं कि ये उनकी पहली फिल्म है। कैमरामैन जो है ओम मिश्रा जी, बहुत सीनियर कैमरामैन है। और देखिए, निर्देशक और कैमरामैन का जो रिश्ता होता है वो पति पत्नी जैसा होता है, कि आंखों ही आंखों में, इशारों में समझ जाते हैं कि हमें क्या शॉट लेना और क्या सारी चीज़ें करनी है।
तो वही हालात जीतू जी के साथ भी हैं। जीतू जी अपने शॉर्ट डिवीजन को लेके बहुत क्लियर हैं कि उनको क्या चाहिए और कहां तक क्या चाहिए। ओम जी उस चीज़ों का अच्छा सामंजस्य बिठा देते हैं और एक एक दिन में हम लोगों ने कुछ 8, 9, 10, 11 सीन भी निकले हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है कि यहाँ काम की रफ्तार। मैं ये कहूँगा कि अगर निर्देशक अपनी तैयारी से है तो कलाकार का आधा काम तो वहीं हो जाता है, क्योंकि फिर कलाकार को पता है कि उसको कहाँ कितना क्या देना है। अब देखिए हम तो झरने की तरह बह रहे हैं, हमारी ऊर्जा तो ऐसी है, लेकिन अगर निर्देशक हमें जब एक धारा में बहा देता है तो हमारी ऊर्जा और हमारा रॉ उस तरफ चल देता है। तो जीतू जी की तैयारी अपनी बहुत अच्छी है और वो अच्छी तैयारी के साथ सिनेमा कर रहे हैं, तो ये भी अच्छा है कि चलिए नए निर्देशकों का भी आगमन हो रहा है, वो नई ऊर्जा और नए एक विज़न के साथ आ रहे हैं, एक नई सोच के साथ आ रहे हैं, और सबसे बढ़िया बात यह है कि बदलाव के लिए आ रहे हैं। तो वो उस धर्रे पर नहीं चल रहे जिस पर चलना है, कुछ नया और अच्छा करने के लिए आ रहे हैं तो अच्छा लगता है। भोजपुरी सिनेमा में क्या जो बदलाव आया है, फिल्में एक अलग ढंग में बन रही है, भोजपुरी भी जो लोग उंगली उठाते हैं कहीं कहीं वो बंद हो रहा है जी। देखिए गलतियां तो भूतकाल में कहीं ना कहीं जाने अनजाने हुई हैं, जिसका खामियाजा हम ही लोगों ने भुगता है। बोलने वालों की आप जुबान नहीं पकड़ सकते, आप अच्छा करेंगे जिनको बोलना है वो भी बोलेंगे, जिनको नहीं बोलना है वो चुपचाप बस हाथ बांध के ऐसे खड़े रहेंगे, उनको उस बदलाव से नहीं मतलब है। लेकिन हाँ कहीं ना कहीं हम उस परिवार का हिस्सा हैं जहाँ हमने बदलते हुए सिनेमा को देखा है, इस बदलते हुए दौर में सोच को बदलते हुए देखा है, तो मैं इस चीज़ का स्वागत करता हूँ। और बस आपके माध्यम से अपने एक परिवार से भी विनती करता हूँ कि जो भी सिनेमा आ रहे हैं एक साथ खड़े होके हर सिनेमा का सपोर्ट करें। चलना नहीं चलना, अच्छा या बुरा, ये दर्शकों को तय करने दें। हम आपस में वैमनस्य भाव भूल के हर सिनेमा का अगर हम सपोर्ट करेंगे, उसको एक प्रोत्साहन देंगे, तो सिनेमा अपने आप उठ जाएगा और सिनेमा फिर कोई नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं 7 राज्यों में रिलीज होती है भोजपुरी सिनेमा, तो 7 राज्यों में मतलब हिंदी के पैरेलल ही कहीं ना कहीं हम खड़े हैं, और कितने कम सीमित संसाधनों में हम सिनेमा बनाते हैं और उतने सीमित संसाधनों में हम अच्छा सिनेमा बनाने की कोशिश करते हैं। कभी प्यार मिलता है लोगों का, कभी नहीं मिलता है। तो ये भी होगा कि आने वाले समय में जो दर्शक रूठे हैं सिनेमाघरों से वो सिनेमाघर में फिर से आएंगे। हाँ अब ये है कि एक बार परिवार साथ आ जाए, इस संक्रमण काल में जो भी चीज़ें हुई जैसी भी हुई सिनेमा आए गए, अब अगर हम आके एक दूसरे के सिनेमा को प्रोत्साहित करेंगे, अच्छा को अच्छा कहने की हिम्मत रखिए, बुरे को सलाह दीजिए, आलोचना मत करिए, तो अपने आप चीज़ें सकारात्मक होना शुरू हो जाएंगे। आपकी आने वाली फिल्में? देखिए आने वाली फिल्में मेरी प्यार का देवता है जिसमें कल्लू जी है, डोली सजा के रखना करके आया हूँ मैं अभी, रजनी जी जिसके निर्देशक हैं, खेसारी जी उसमें हीरो हैं, सॉरी यार मैंने की है उसमें भी कल्लू जी हीरो हैं, इज्जत घर करके आया हूँ जिसके मंजुल ठाकुर जी डायरेक्टर हैं, प्रवेश जी हीरो हैं, प्रवेश जी के साथ दूसरी फिल्म उन्हीं निरहुआ एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन की करी जिसके बंटी भाई डायरेक्टर हैं साजन, और राकेश जी के साथ भाई भाई का प्यार वो भी एक बड़ी भाई वाले ही सब्जेक्ट पे है, और भी है अभी एकदम से आपने पूछा तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ कुछ आने वाले, हाँ जय मां विंध्यवासिनी जिसे विष्णु शंकर बेलू जी ने किया है जो एक सोशल माइथो है, तो कुछ ऐसे कुछ अलग अलग किरदार आ रहे हैं जो आप लोगों के सामने आएंगे। बस आप लोगों से अनुरोध है कि अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे भोजपुरी सिनेमा को दें, और रूठे नहीं, अगर रूठे हैं तो मना लेंगे, लेकिन हाँ सिनेमा देखते रहिए।